क्वेश्चन 37 देखिए। अ मिडल स्कूल डिसाइडेड टू रन द फॉलोइंग स्पिनर गेम एज अ फंड रेजर ऑन क्रिसमस कार्निवल। एक स्कूल है, वो इस गेम को खिलवाना चाहता है ताकि वो कुछ फंड रेज कर सके क्रिसमस कार्निवल पर। अब वो गेम क्या है? ये दो स्पिनर्स लगे हुए हैं, इसको घुमाया जाता है और ये एरो किसी एक कलर पर रुकती है, सेम यहां पर। और वो कह रहा है मेकिंग पर्पल स्पिन ईच स्पिनर वंस ब्लू एंड रेड मेक पर्पल। अगर यहाँ ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन बन जाता है, यहाँ रेड आ गया और यहाँ ब्लू आ गया, तो हमारे पास जो कलर है वो पर्पल बनता है। ऐसा वो कह रहे हैं, कंडीशन है कि यहाँ रेड और यहाँ ब्लू आ गया तो आपका कलर पर्पल बन जाएगा और तब आप जीत जाओगे। मतलब पर्पल कलर बनेगा तो आप जीतोगे। वन सच आउटकम इज रिटन एज आर बी। उस आउटकम को हम लिखेंगे आर बी। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम। ऑल पॉसिबल आउटकम्स या फिर ऑल पॉसिबल आउटकम्स और आई मस्ट से टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स क्या बनेंगी आप देखें। तो टोटल आउटकम्स क्या क्या बनेंगी देखिए। हो सकता है रेड को हम आर से कह रहे हैं, आर यहां भी रेड और यहां भी रेड आ जाए, मतलब पहले पर भी आर और दूसरे पर भी आर। हो सकता है यहां रेड यहां ब्लू आए आर बी, रेड ग्रीन आए आर जी। अब रेड के सभी केस हो गए, ग्रीन और रेड आ जाए जी आर, ग्रीन और ब्लू आ जाए जी बी, ग्रीन और ग्रीन आ जाए जी जी, वाई आर आ जाए, वाई बी आ जाए एंड वाई जी आ जाए। ये टोटल 9 केसेस हमारे पास बनेंगे, ये पूरे पॉसिबल केसेस होंगे। सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल, फेवरेबल केसेज फॉर मेकिंग पर्पल, फेवरेबल केसेज फॉर मेकिंग पर्पल। पर्पल बनाने के लिए कितने कलर्स चाहिए आपको? देखो पर्पल बनता है जब रेड और ब्लू आए, तो रेड ब्लू एक तो यहां आ रहा है और कहीं आपको रेड ब्लू दिख रहा है? मतलब केवल एक ही केस ऐसा है जहां पे पर्पल बनेगा, मतलब केस एक है तो प्रोबेबिलिटी भी कम होगी जीतने की। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल, तो पर्पल बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। फेवरेबल केस कितने हैं? 1, टोटल केस है 9, यानी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/9 है। इसके बाद इसके थर्ड का ए वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। फॉर ईच विन ए पार्टिसिपेंट गेट ₹10। अगर वो जीतता है तो ₹10 मिलते हैं, बट इफ और ही और शी लूजेस हैज टू पे ₹5 टू स्कूल। और अगर वो हारता है तो उसको ₹5 स्कूल को देने पड़ेंगे। जीतेगा तो 10 मिलेंगे, हारेगा तो 5 देने पड़ेंगे। इफ 99 पार्टिसिपेंट प्लेड, अगर 99 पार्टिसिपेंट ने वो गेम खेला, कैलकुलेट हाउ मच फंड कुड द स्कूल हैव कलेक्टेड। तो मतलब आप बता दीजिए कि स्कूल ने कितने पैसे कमाए। तो आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो है हमारे पास 1/9। तो कितने मेंबर गेम जीतेंगे? तो पी विंस, वो देखिए टोटल मेंबर्स 99 ने पार्टिसिपेट किया है, जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/9, तो 11 है जो स्टूडेंट्स हैं वो गेम को जीतेंगे।
11 स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं जो गेम जीतेंगे, तो लॉस कितने करेंगे? स्टूडेंट लूज द गेम, तो जीते हारेंगे कितने भाई? टोटल थे 99, उनमें से 11 जीत गए, तो 88 बच्चे गेम को हार गए। अब इस केस में स्कूल कलेक्टेड द फंड, स्कूल ने फंड कितना कलेक्ट कर लिया? आप देखो कि 11 जीते हैं, देखो 88 हारे हैं, तो इनको 5-5 रुपए देने पड़ेंगे। एक 5 रुपए देगा तो 88 कितने देंगे? 88 × 5 माइनस, एक को 10 रुपए देने पड़ते हैं जीतने पर, और जीते कितने हैं? 11 है, तो इतने पैसे स्कूल को देने पड़ेंगे, इतने स्कूल को मिलेंगे, इतने स्कूल को देने पड़ेंगे। तो ये आ गया 440 − 110, यहां पे आ गया 330 रुपीज। तो स्कूल ने इस केस में यहां 330 रुपए कमाए हैं। अब देखो, अगर आप इसको आगे लेते और इसको पीछे ले लेते तो माइनस का 330, माइनस का 330 मतलब स्कूल ने कमा लिए हैं, प्लस का मतलब बच्चे कमा रहे हैं, तो स्कूल ने 330 रुपए कमा लिए यहां पर। अगला केस है, इफ द सेम अमाउंट इज, थर्ड का भी, इफ द सेम अमाउंट ऑफ रुपीज 5 हैज बीन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लूजिंग द गेम, देन हाउ मच फंड हैड बीन कलेक्टेड बाई द स्कूल। अगर वो दोनों केस में 5-5 रुपए रख दे, मतलब हारने का भी 5 रुपए, जीतने का भी 5 रुपए, तो स्कूल कितना कमाएगा? इफ द फंड्स आर सेम फॉर विनिंग एंड लूजिंग, फंड्स आर सेम फॉर विनिंग एंड लूजिंग, विनिंग एंड लूजिंग दैट इज 5 रुपीज, स्कूल कलेक्टेड द फंड, तो स्कूल कितना फंड कलेक्ट कर लेगा? तो स्कूल उस केस में देखिए 88 बच्चों से 5-5 रुपए लेंगे और 11 बच्चों को 5-5 रुपए देंगे, यानी यहां आ जाएगा 440 रुपए और यहाँ आपके 55 रुपए उन्हें देने पड़ेंगे। 10 − 5 = 5, 13 − 5 = 8 एंड दिस इज 3। तो इस केस में स्कूल हैव अर्न्ड रुपीज 385। अब और ज़्यादा कमाएगा क्योंकि पहले वो ज़्यादा रुपए दे रहे थे, अब कम दे रहे हैं। तो ये सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ इस पर पूछ रखे थे और सभी का आंसर हमने यहाँ पर दे दिया है।